संतोष जी, आज साइकिल यात्रा है वो आज पहुंची है, सिरसा में पहुंची है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी जो साइकिल यात्रा सुबह स्टार्ट हुई थी वो एक जैसे कर्मचारी अधिकारियों की थी और उसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं था कि सीएम साहब का पता किया तो ऐसे कह रहे हैं कि 16 तारीख को आई जी, क्योंकि आज के दिन हम यात्रा का विरोध नहीं कर रहे, हम जो विरोध कर रहे हैं सीएम साहब का कर रहे हैं। आज 16 तारीख को कह रहे हैं, ये सूत्रों से पता चला है कि 16 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं, तो मैं सीएम साहब से एक दो सवाल जरूर पूछूंगी कि आज ये यात्रा निकाल रहे हैं और निकलवा रहे हैं सरकार, नशा मुक्ति अभियान ये जो चालू करने जा रहे हैं, 9 साल हो गए इस सरकार को आए, और जो भी मेरे जो प्रदेशवासी है वो भी देख रहे होंगे, मैं उनसे भी एक बात ये कहना चाहूंगी कि आप जागो, और जो ये यात्रा है और जो सीएम साहब कह रहे हैं कि अभी नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे, और तो इनसे आप एक जवाब मांगो कि 9 साल सीएम साहब आप कहाँ पे थे, क्योंकि सरकार 9 साल में कुछ किया होता तो मैं इस सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे को एक बात बताइए कि आप 9 साल में कौन से तो नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं और कौन से ऐसे गेम जो स्टेडियम बनाई है जिससे बच्चे जो आज की युवा पीढ़ी है वो नशे से दूर जा सके, क्योंकि इस सरकार ने कुछ ऐसा काम नहीं किया। इसकी सरकार की मंशा अच्छी होती तो हमारे जो देश के अंदर नशा नहीं आता, क्योंकि नशा लाने वाली ही सरकार है। तो नशा तो एक ये वो बात होगी, अब 2024 का चुनाव जो नज़दीक आ रहा है उसके लिए ये सिर्फ तो सिर्फ नौटंकी करने वाली बात है कि साइकिलों पे सवार होके और जो नशा मुक्ति अभियान चला रही हैं, बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, और जो हमारी पब्लिक है ये समझ चुकी है कि ये सरकार कैसी है, क्योंकि 9 साल के अंदर हर वर्ग इस सरकार से परेशान हो चुका है, और जो धरनों पे बैठे हैं लोग उनको सब पता है कि इस सरकार ने हमारे हकों की बात आई तो हमें पीटने का काम किया है, हक देने का काम नहीं किया। हाँ जी मैम, धरने को लेकर अभी बात चल रही है कि धरने प्रदर्शन है वो इस सरकार के अंदर जारी है, तो अभी पीछे अगर चौथा धरने की बात करें, नारायणखेड़ा टंकी आंदोलन की बात करें, तो आपकी बहुत बड़ी शमूलियत थी, बहुत बड़ा योगदान था सरपंच एसोसिएशन का। अगर आपकी बात करें तो भूखे रहे हैं, और 17 तारीख का जो टाइम था वो डीसी साहब ने 1 महीने का टाइम था वो मांगा था, टाइम पूरा होने को है लेकिन मुआवजा नहीं आ रहा है, कंपनियों के हाथ खड़े हैं, तो क्या कहना चाहते हैं, कैसे आगे लड़ेंगे? देखिए, हमारी जो आवाज थी और मेन मुद्दा हमारा था वो किसानी को लेके था, क्योंकि जो भी किसान के अंदर समस्या आती है, चाहे किसी तरह की हो, चाहे बीमा क्लेम की हो या कोई भी मुआवजा लेने की हो, तो इस सरकार ने ये काम, क्योंकि 9 साल से लेके स्टार्टिंग से लेके आज तक ये जो सरकार है वो किसान विरोधी सरकार रही है, और इन्होंने अब 1 महीने का हमें जो टाइम दिया है वो 17 तारीख को लास्ट डेट है इनकी, देखते हैं कि कितना बीमा आता है। नहीं, मैं तो आपके माध्यम से या लाइव चल रहा है जो भी है, मैं सरकार को ये चेतावनी जरूर देना चाहती हूँ कि 17 तारीख या तो हमारा जो बीमा क्लेम है किसानों का वो जारी किया जाए, नहीं तो हम 17 तारीख को कोई बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे। जैसे पहले भी जो सीएम जन संवाद था वो हुआ था, अगर आपकी बात करें तो काफी सरपंचों को आपको नजरबंद किया गया था, तो अब भी आपने जैसे विरोध का ऐलान किया है, कल भी आपकी एक सोशल मीडिया पर वीडियो थी कि आप विरोध करेंगे, तो क्या इस बार भी इतिहास दोहराया जाएगा, संतोष बेनीवाल आगे मिलेगी? देखिए, संतोष बेनीवाल पहले भी आगे रही और आज भी आगे रहेगी। अभी शाम को है जैसे मेरी एसोसिएशन की जो मीटिंग है, सरपंच जो सारे इकट्ठे हो रहे हैं हम, और हम बड़ा फैसला लेंगे, और जो सीएम की
जो यात्रा इन्होंने स्टार्ट करी है, वो सीएम साहब आ, देखो यात्रा से हमें कोई मतलब नहीं है, पर हमें जो आमना सामना करना है वो खुद सरकार से करना है और सरकार से रूबरू होके रहेंगे। हाँ जी, और क्या कहना चाहते हैं मैम इस प्रोग्राम के? पर मैं अभी लाइव हूँ तो मैं सरकार से एक सवाल जरूर करना चाहूंगी कि कल जो इन्होंने ऑनलाइन, जो हमारे राष्ट्रपति है उन्होंने आयुष्मान कार्ड हैं उनके लिए उद्घाटन करना था जी। तो शायद सारे जो मेरे पत्रकार भाई थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे, और जो उद्घाटन करना था उस टाइम हमारी जो मुख्य अतिथि थी वो सुनीता दुग्गल जी थी। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैडम कहाँ थी आप, क्योंकि जो ऑनलाइन उद्घाटन होना था वो आपके हाथों से होना था, और जो बीजेपी के नेता थे वो कहाँ पे थे? आपने स्टेज पे गौर किया होगा कि कोई भी वहाँ पे नहीं पहुँचा। तो जो इस सरकार की नीतियाँ हैं वो साफ दिख रही हैं कि कोई भी पब्लिक इनके साथ नहीं है। और एक बात और कहना चाहूँगी कि जो भी आज यात्रा स्टार्ट की है ये चीज कही गई है कि आम जन इस यात्रा में जुड़ेगा, पर उसमें मैं सभी जो मेरे पत्रकार भाई हैं उनको एक बात कहना चाहती हूँ कि हर बंदे पे फोकस कीजिए और पता करिए कि कौन सा जो आम नागरिक है वो इस यात्रा में और सीएम के सामने खड़ा होता है और साथ होता है, क्योंकि ये जो यात्रा है वो कर्मचारियों अधिकारियों को नोटिस दिए गए हैं कि इस यात्रा में आप शामिल हो। ये यात्रा कहाँ रहेगी? देखो ये तो आम जन को परेशान कर रहे हैं, कर्मचारी अधिकारी हमारे हमारे काम तो बीच में रुके हुए हैं, और अब ये 3 दिन यात्रा करेंगे क्योंकि सारे कर्मचारी अधिकारी हैं वो यात्रा में शामिल है। आम जन को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या फील करना चाहते हैं? 2024 के जो चुनाव है वो नजदीक है, अगर धरनों की बात करें, प्रोटेस्ट की बात करें तो कह सकते हैं कि हर वर्ग प्रोटेस्ट पर है, अपील क्या करना चाहते हैं? एक अपील तो मैं बाद में करूंगी, पहले मैं एक मैडम सुनीता दुग्गल से एक सवाल और करना चाहूंगी जी मैम, कि किसी टाइम हमारा आमना सामना हुआ था जी, तो मैडम ने ये बात कही थी कि मेरे पास आप आते और बात रखते जी, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगी कि क्या पता संतोष बेनीवाल तो आपके दरवाजे पे ना आई, पर कल जो हमारी आशा वर्कर बहनें हैं वो उनके गेट के आगे थी, और एक जो बहन है हमारी वो कहते हैं कि महिला महिला की होती है, तो इसलिए मैं ये सवाल करना चाहती हूँ उनसे कि उस टाइम आप कहाँ पे थे जब आपके गेट के आगे एक महिला जो बेहोश होती है, तो उस टाइम हमारी जो सुनीता दुग्गल मैडम थी जो हमारी सांसद है और हमने उन पे विश्वास जताया, तो वो मैडम कहाँ पे थी? क्या बात जो बहनें हैं, और कुछ दिन पहले एक जो हमारी बहन है उसने काम की मांग करी थी, शायद सभी को पता ही है जी, तो हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं उनका क्या जवाब था कि जो चंद्रयान 4 जाएगा उस पे आपको आगे भेजा जाएगा। तो जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं या हमारी सांसद है उनसे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि इतना घमंड अच्छा नहीं होता, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, और जिस दिन जनता जाग गई उस दिन आपको पता लग जाएगा और ये जो आपकी अहंकार की जो कुर्सी है ना उसको छीनने का काम करेगी। तो मैं सभी से जो मेरे भाई साथ जुड़े हैं उनसे एक ही अपील करना चाहूँगी कि जो आज ये सरकार अपने पे अत्याचार कर रही है उनका 2024 के लिए आप तैयार हो जाओ, एक एक वीडियो क्लिप देखो आपको पता लगेगा, और जिस दिन आप अपनी आवाज़ उठाना सीख गए तो कोई भी माई का लाल है वो आपको दबा नहीं पाएगा। तो मैं सभी से सभी ग्रामवासियों से एक ही बात कहना चाहूँगी, और मेरी महिला शक्ति को मातृ शक्ति को जरूर कहना चाहूँगी कि अपने हकों के लिए बाहर निकलो, नहीं तो ये सरकार दोबारा आ गई तो हमारी जो महिला शक्ति है और जो हमारे आम नागरिक है उसको बख्शने वाली नहीं है, और जो 9 साल के अंदर हमें जितना दबाया गया है उतना उससे बहुत ज़्यादा हमें अत्याचार सहन करने पड़ेंगे। तो मेरी सभी से अपील है
कि जो भी 2024 का चुनाव है वो एक तरफा होना चाहिए, और जो भी मेरे साथी हैं, चाहे बीजेपी और जेजेपी को, किसी पार्टी को हमें वोट देना पड़े, पर बीजेपी और जेजेपी का सूपड़ा साफ करने का इतिहास रचेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।